अरे नीचे आए आए सर, बताइए कि क्या आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन किया गया है? तो करना ही चाहिए, चाहे कितने भी मतभेद हो। ईडी जो है इस देश की एक संस्था है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अगर कोई सरकार का कागज आता है तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं खुद लॉ मेकर हूँ, कानून को हम मानते हैं और हम ये भी मानते हैं कि इस देश में कानून सबसे बड़ा है। चाहे कानून को कोई अपने कब्जे में क्यों न ले या दबाव में क्यों न ले, फिर भी हम लोग कानून को मानते हैं और कानून को मानेंगे, कानून का आदर भी करेंगे। जो बात हमको जनता के सामने रखनी थी वो मैंने कल की पत्रकार परिषद यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बता दिया। और भी बहुत बातें मेरे पास है, वो भी मैं धीरे धीरे बता दूंगा। सर, कल आपने कायदा का पालन करणारा नागरिक है, मी संसदेचा सदस्य आहे, आम्ही कायदे बनवतो, आम्ही कायद्यावर चर्चा करतो। त्याच्याकडे जर सरकारच्या तपास यंत्रणेकडून माझ्या कुटुंबाला एखादा कागद आला असेल तर त्याचा आदर करणं हे आमचं कर्तव्य आहे। बोलले त्याच्याविषयी काय मतभेद असतील, तुम्ही वेळ मागून घेतला, काही राजकारण आहे अर्थात त्याच्यामध्ये राजकारण आहे सगळ्यांना माहिती आहे। सर तुम्ही सांगितलं पण त्या राजकारणाचाही मी आदर करतो। सध्या या संस्थांना दुसरं काही काम नाही। सरकार विरोधक जे आहेत, खास करून भाजप विरोधक आहेत, त्यांना त्यांचा कशा प्रकारे मानसिक छळ करता येईल किंवा इतर गोष्टीने छळ करता येईल हे त्यांचं एक राष्ट्रीय कर्तव्य आहे। त्या राष्ट्रीय कर्तव्याचा सुद्धा आम्ही आदर करतो, कारण शेवटी त्यांनाही काहीतरी काम पाहिजे, त्यांना हुकूम मानायचे असतात, हुकमाचे ताबेदार आहेत। त्याच्यामुळे मला ईडीची कीव येते। या संस्था ह्यांना कधी काळी फार प्रतिष्ठा होती, आता ह्यांचा कोणी आदर आणि ह्यांना कोणी प्रतिष्ठा देत नाही या सगळ्या एजन्सीला, कारण ह्यांना सरकारचे नोकर मानलं जातं, सरकारी गुलाम मानलं जातं, या देशाची शोकांतिका। पण तरीही या सरकारी कागदावरती जो एक सत्यमेव जयतेचा एक एम्ब्लेम असतो त्याचा आदर या देशातली जनता करते, त्याच्यापैकी मी एक। बात गोष्ट आली तुमच्या नोटीसची, श्रीमती राऊत यांना एक नोटीस जर आली आहे तर ती का मी पाहिली नाही, पण आम्ही सांगितलेलं की त्याला एक सविस्तर उत्तर द्या आणि पुढची वेळ मागून घ्या। आमच्याकडे लपवण्यासारखं काही नाही, आम्ही एक मध्यमवर्गीय कुटुंबातले लोक आहोत, जे का आमच्याकडे आहे ते कधी लपवलं नाही। सर ईडी हादरे त्या तुम्ही सांगत आहेत, त्या 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 संदर्भात आम्ही राज्यसभेच्या पार्लमेंटच्या आमच्या संपूर्ण त्या ॲफिडेव्हिटमध्ये सगळी माहिती दिली आहे। तीच तुम्ही टी व्हीला दाखवता, नवीन काय 15 वर्षापूर्वी तीच माहिती आहे सर, तुम्ही नवीन काही नाही, ती दाखवू द्या। त्यांच्याकडे लपवण्यासारखं असतं, आज एकच ईडीकडे त्यांच्याकडे लपवण्यासारखं असतं ते एकतर ज्या तपास यंत्रणा व दबाव आणून त्यांच्या केसेस मॅनेज करतात, ज्यांच्याकडे लपवण्यासारखं असतं ते घाबरून भाजपामध्ये प्रवेश करतात, जसे केलेले महाराष्ट्रात उदाहरण आहेत, आंध्रमध्ये आहेत। आमच्याकडे लपवण्यासारखं काही नाही, आम्ही शिवसेनेत आहोत, शिवसेनेत राहणार आणि शिवसेनेत मरणार। बहुत बड़ी बात नहीं है जी, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है जी, जो भी है हमारे पास उसका पूरा ब्यौरा हमने एफिडेविट में दिया है, पार्लियामेंट के इनकम टैक्स के जो रिटर्न भरते हैं उसमें दिया है। छुपाने वाले होते हैं वो भाग कर चले जाते हैं या एजेंसी को मैनेज करने में लगते हैं, हमको ये कोई ज़रूरत नहीं। तो हमारे पास खुली किताब है जी, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग जी, और मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं वो बहुत ही सीधे तरीके से अपनी बात सरकारी एजेंसी में रखते हैं। सरकार गिराने के लिए बात ऐसी है, मुझे धमकाने वाला पैदा नहीं हुआ है। मैंने जो बात की है कि उनकी इस प्रकार की भाषा थी कि हम सरकार गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैं उसको धमकी मानता हूँ सरकार के लिए। और मुझे धमकी देने वाला पैदा नहीं हुआ, जो मुझे धमकी देगा वो नहीं रहेगा। मराठी मध्ये दर्शक बात रही आप जो सामने मेरे खड़े हो,
श्रीमती वर्षा राउत जी की नोटिस के बारे में। नोटिस अब तक मैंने देखी नहीं है, नोटिस मेरे नाम पर नहीं है, मैंने देखी नहीं, मुझे देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है ये सब राजनीति कैसी चलती है, तो चलने दो, लेकिन हम उसका जवाब देंगे। सर, बीजेपी के तीन नेताओं की बात की कि तीन नेता हैं जो लगातार ईडी ऑफिस जाते हैं, मैं जानता हूँ, तो वो कौन से तीन नेता हैं? मैंने कहा ना कि धीरे धीरे सबको उसका मार्गदर्शन मैं करूँगा। सर, क्या आज हो जाएंगे? बता दिया, मैंने बता दिया कि मैंने अब तक नोटिस देखे नहीं है, लेकिन उसका जवाब दिया जाएगा। कानून का रिस्पेक्ट करना चाहिए, इस देश में कानून है आज भी, और अगर हमारे जैसे लोग कानून का आदर नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? सर, फिर टाइम मांगा है सर, 5 जनवरी तक आपने टाइम मांगा है सर? जी हाँ, थोड़ा टाइम, अभी इतनी बड़ी केस है, पूरा देश हिल गया है, और कुछ नहीं देश में हमारे आजकल, कुछ नहीं है ना। मेरे पास जो 120 लोगों की लिस्ट मैंने बनाई है, वो देने के बाद शायद ईडी को बड़ा काम मिल जाएगा, सरकार को बड़ा काम मिल जाएगा, लेकिन अब तो ये एक ही केस ही देश में चल रहा है जो 50 लाख का है सिर्फ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी तैयार हैं, और हम भी जो सरकारी कागज मेरे पास आया है हमारे घर पे, उसका मैं आदर करता हूँ, और सभी ने करना चाहिए। सर, मराठा जी सर, सिर्फ आपसे दो लाइन जाना मला माहित नाही, पण जर असं झालं असेल तर ही देशभरातली लोकभावना आहे। ठीक, थँक्यू।